अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर अरुण, आयुष्मान की हालत अब पहले से ठीक तो है ना? जी जानकी जी, मैंने सेफ्टी के लिए इंजेक्शन तो दे दिया, लेकिन ये काफी हैरानी की बात है, इनके शरीर पर बिच्छू के काटने के बाद जहर का जो नीला रंग चढ़ा था वो अपने आप ही हल्का होता जा रहा है, और दवा का भी इतनी जल्दी असर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका जहर पहले ही किसने निकाल दिया है। भोलेनाथ का शुक्र है कि मेरा आयुष ठीक हो रहा है। चमची, इसको क्या हुआ है? बिच्छू ने इसको नहीं आयुष्मान को काटा है। सही कह रही है चकोरी डॉक्टर साहब। कहना कहना उठो ना, डॉक्टर देखो ना क्या हुआ है, कहना इसे ठीक करो ना। सिस्टर उठा के इधर लाइए प्लीज। आराम से कहना, तुम ठीक हो? आराम से बैठो। इनकी हालत ठीक नहीं लग रही है, होठों का रंग भी नीला पड़ा हुआ है, लगता है इन्होंने ही आयुष्मान के शरीर से जहर निकाला है। बस फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। सब टिन्नी को ही बार बार डांट दे, कहना ही आयु की पत्नी है। टिन्नी ऐसे नहीं बोलते, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ। तुझे उसकी भी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। इसकी भी मतलब? इस लड़की ने और भी किसी की जिंदगी खराब की है? अरे ताई जी, कैसी बातें कर रही हैं? इसकी क्या, हम सबकी जिंदगी खराब कर दी है। जब से लड़की इस घर में आई है ना, हम सबकी जिंदगी खराब कर दी है। और तो और, आयुष्मान की ये हालत भी ना इसी लड़की की वजह से है। आयुष्मान तुम्हारी मदद करने गया होगा और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होगा, और बिच्छू ने काट लिया होगा। ये ठीक कह रही, इनके होठों का रंग नीला पड़ा हुआ है, जिसे देख के साफ लगता है कि इन्होंने ही आयुष्मान की बॉडी से जहर निकाला है, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज आयुष्मान की हालत बहुत सीरियस होती। खैर, मैंने दोनों को इंजेक्शन दे दिया है, अब खतरे से बाहर हैं दोनों, जल्दी ही दोनों ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूं, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। एक नौकर में वफादारी बहुत जरूरी होती है। आज तुमने अपने मालिक की जान बचाकर अपने नौकर होने का फर्ज पूरा किया लड़की, शाबाश। सही कहा आपने बुआ जी, इस नौकरानी ने
नौकर होने का धर्म बहुत बखूबी निभाया है, तो बख्शीश तो मिलेगी इसे। मम्मा ये लो, लो। अब लो। तुम बहुत गंदी हो आलिया, गंदी आलिया, गंदी आलिया, गंदी आलिया। यही औकात है इस लड़की की, देख रहे हैं ना आप सब, गिरे हुए पैसे भी कितने शान से उठा रही है। बहुत सही, तो कोई जमीन पर नहीं फेंकते, लक्ष्मी जी का अपमान होता। और हम इस घर की नौकरानी, तो हमारा फर्ज बनता। हमने इस घर का नमक खाया है। अरे वो प्यार या अपनाना नहीं था, वो जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा था मैं। तुम्हारा इलाज तुम्हारे गांव में नहीं हो सकता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया, वरना कभी नहीं लेकर आता। पर किसी ने हमें बताया कि जिम्मेदारी क्या होती। आज वही जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमने डॉक्टर बाबू की जान बचाई। हमारे गांव में कहते हैं कि पैसे के लिए किसी के लिए कछु करना एक सौदा होता है, और हम अपनी अच्छाई का सौदा नहीं करते। ही लीजिए। इस पैसों से गरीबों को खाना खिला देना, आपको दुआएं मिलेंगी। आज आपका जन्मदिन शुरू होने वाला है। मैंने सोचा था कि आपका जन्मदिन साथ मनाएंगे, पूजा करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे, दान धर्म करेंगे और फिर सिनेमा देखने जाएंगे। पर अगर आप भी नहीं चाहते कि हम आपकी जिंदगी में रहें, तो हमारा यह रुकने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। बस जाने से पहले आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते, आपको दिल से हैप्पी बर्थडे कहना चाहते।
कैसा लगा बुआ जी? आलिया, वाकई बहुत अच्छा केक बनवाया है। हाँ आलिया, बिटिया तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। इसीलिए तो मैंने आयुष्मान को चुना है। आयुष्मान ही देखकर बहुत खुश होगा, है ना? मैंने सोचा था कि उसके ऊपर इतना कुछ बीता है आज, और डॉक्टर ने भी बोला था कि वो ठीक हो गया है, तो एक स्पेशल केक तो बनता है। बिल्कुल सही सोचा। चलो चलते हैं, अब 12 बजने वाले हैं। हाँ, उसे सरप्राइज करेंगे। चलो, चलो। डॉक्टर बाबू, आपको लगता है कि हमने आपसे जबरदस्ती पकड़वा शादी की, पर सच तो ये है कि हमें पता ही नहीं था कि ये शादी आपकी मर्जी के बिना हो रही है। पर आपको तो पता था, पर आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया कि आप किसी और से शादी करने वाले। हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा, पर फिर भी हम आपसे नाराज नहीं है। आप नहीं मानना चाहते इस शादी को, मत मानो, पर हमें हमारे मांग के सिंदूर का महत्व पता है, और हम मरते दम तक इस रिश्ते को मानेंगे। हमारे लिए हमेशा आप ही हमारे पति रहे। हमें नहीं फर्क पड़ता डॉक्टर बाबू कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, पर अगर हमें एक तरफा भी इस शादी को निभाना पड़े तो हम निभाएंगे। हम कभी भी आपके खुशियों के रास्तों का कांटा नहीं बनेंगे, और अगर हमारे जाने से आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं, और फिर हमारे जाने के बाद आप अपना जीवन साथी चुनेंगे। हम कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, बस आखिरी बार आपको देखना चाहते थे। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गांव में क्यों खाब बनते हैं। किसका क्या कसूर, से कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है।
लो ये तो सोया है। चलो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर बाबू। आप हजारों साल जी और हमारी उम्र भी आप ही को लग जाए। आयुष्मान, केक कैसा लगा? केक तो सच में बहुत सुंदर है। देखा, आखिर चॉइस मेरी है। चलो अब केक काटो। लो बेटा। क्या हुआ आयु, तुम किसको ढूंढ रहे हो? गहना को? मैं अभी बुलाकर लेकर आऊं उसे। तुम्हारी पत्नी है ना वो, तो तुम उसे भी केक खिलाना। मैं अभी बुलाकर लेकर आती हूँ। अरे आयुष्मान, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये कुछ भी बोलती रहती है, तुम केक काटो ना। तिन्नी, आज तो तुम्हारा भी बर्थडे है ना, तो हम साथ में केक कट करते हैं। आ जाओ। हाँ, आज तिन्नी का भी बर्थडे है। ये आज तिन्नी का भी बर्थडे है। तिन्नी का भी बर्थडे है। नहीं, मैं गहना के बिना केक नहीं कट करूंगी आयु। तिन्नी, गहना आ जाएगी, हम केक कट कर लेते हैं। आयु, तुम अपनी पत्नी के बिना कैसे केक कट कर सकते हो? तिन्नी तो अपनी फ्रेंड के बिना नहीं केक कट करेगी। ओह गॉड, प्लीज कोई इसे समझाओ। आयुष्मान, इसने एक रट लगाए बैठी है कि गहना तुम्हारी पत्नी है। प्लीज तुम इसे समझाओ और बताओ कि गहना तुम्हारी पत्नी नहीं है। टिनी, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, गहना मेरी पत्नी नहीं है। सुन लिया टिन्नी, अब प्लीज केक काटो। आयुष बेटा, केक काटो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आयुष बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। आज पार्टी में सबके सामने हम तुम्हारी शादी का ऐलान कर देंगे। तुम लोगों ने जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी मेरी। मैं नहीं मानता हूँ शादी को। मेरी शादी किसी और से होने वाली है।
बेटा आयुष हम जाते हैं, तुम आराम कर लो। लेके जाओ इसको, लेके जाओ, आयुष को आराम करना है। आयुष बेटा आराम करो, हम लोग बाद में आते हैं। हाँ जी बुआ जी, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू बुआ जी। बस ये सोचा फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। हमें डॉक्टर बाबू और घर वालों के उठने से पहले इस घर से निकलना होगा। तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू इस पकड़वा शादी को कभी नहीं मानेगा। मैं कसम खाता हूँ माँ, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा।